आज हम आज से हम इंशाल्लाह साइंस स्टार्ट करेंगे और उसमें भी साइंस फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। साइंस फर्स्ट का सेकंड चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा और उससे पहले आपको कुछ बेसिक और बुनियादी बातें पता होना ज़रूरी है। और बच्चों, मैं आपको इंशाल्लाह केमिस्ट्री रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ाऊंगा और आमिर सर आपको फिज़िक्स रिलेटेड चैप्टर पढ़ाएंगे। जितने चैप्टर फिज़िक्स रिलेटेड हैं वो तमाम चैप्टर आपको आमिर सर पढ़ाएंगे और जितने चैप्टर केमिस्ट्री रिलेटेड हैं उतने चैप्टर इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें जानना ज़रूरी है, आपको केमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक बातें जानना ज़रूरी है। और ये बातें तकरीबन बच्चों को पता ही है और जिन बच्चों को पता है वो ये वीडियो ना देखें, है ना, और जिन्हें नहीं पता तो वो मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो आज क्या क्या बेसिक बातें मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह एटम के बारे में। उर्दू में इसे कहते हैं बच्चों जौहर, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट क्या है। एलिमेंट को बच्चों उर्दू में कहते हैं उनसर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल को उर्दू में क्या कहते हैं बच्चों, सालिमा। इन तीन चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे इंशाल्लाह और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर जिन बच्चों के तीन बातें पता है, ये तीन चीज़ें पता है, वो ये लेक्चर ना देखे, इसे स्किप कर दें, फिर भी अगर देखना है तो 1.5 की स्पीड में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं हम एटम के बारे में, ठीक है। और एटम को उर्दू में क्या कहते हैं, मैंने कहा अभी आप लोगों को, जौहर, ठीक है। तो चलिए एटम क्या है इसको जानते हैं। अच्छा बच्चों, मान लीजिए, फर्ज़ कीजिए कि आपके हाथ में ये एक चॉकपीस दिया हुआ है, ये मार्कर पेन है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि आपके हाथ में क्या है, चॉकपीस है। चॉकपीस समझते हैं ना, चॉकपीस जिससे बोर्ड पर लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर, हाँ वही चॉकपीस। तो चॉकपीस आपके हाथ में, अगर मैं आपको दूँ और कहूँ कि बच्चों इसको तोड़ी, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसा तोड़ देंगे और इसके दो हिस्से कर देंगे, ये छोटा ऐसा बचा हुआ है, ये सब समझो टूट गया। अब मैं इसको आपको और दूँ और कहा कि तोड़ दीजिए, तो आप इसको और पकड़ेंगे और क्या करेंगे, तोड़ देंगे। अब ये छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है ना। अब मैंने कहा कि बच्चों लीजिए इसे और तोड़िए, अब वो बच्चा क्या करेगा, इसको और तोड़ देगा। अब उसके हाथ में एक छोटा सर का, इतना सर का पीस बचा हुआ है, ठीक है। अब मैं किसी बच्चे के हाथ में दूँ और कहूँ कि बेटा इसको तोड़ दीजिए, तो बच्चा पूरी जान लगाएगा और कैसा ना कैसा उसको तोड़ देगा। अब उसके पास बच्चों एक छोटी सी चीज़ बचा ली, इतना चॉकपीस फॉर एग्जांपल बचा हुआ है। अब मैंने कहा कि बेटे इस चॉकपीस को तोड़ दे, छोटा सा बचा हुआ है ना, इसको तोड़ दे। तो बच्चा सोचने लगा कि तोड़ू तोड़ू, लेकिन उसे टूट ही नहीं रहा, इतनी छोटी चीज़ टूटी क्या नहीं। तो उसको गुस्सा आया, टेंशन आया, उसने गया पत्थर लाया, उस चॉकपीस पर डाल दिया, पीस दिया, समझ पा रहे बात को, इसको क्या किया इसने, पीस दिया। पीस दिया तो इसका क्या बन गया भैया, पाउडर बन गया। पीसने के बाद उस चॉकपीस का क्या बन गया, पाउडर बन गया। अब ये पाउडर के अंदर बहुत सारे, देखिए अब जरा, छोटे 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 क्या है, पार्टिकल्स है ना। अब इन पार्टिकल्स में भी कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो और तोड़े जा सकते और कुछ पार्टिकल होंगे जो कि नहीं तोड़े जा सकते, यानी कि वो छोटा पार्टिकल जिसको आप और नहीं तोड़ सकते, वो छोटा जर्रा जिसको आप और नहीं तोड़ सकते वो कहलाता है एटम, किसी भी चीज का, किसी भी चीज का। इसकी डेफिनेशन कैसी बन गई, इसकी डेफिनेशन बन गई किसी भी चीज का वो छोटे से छोटा जर्रा या फिर पार्टिकल जिसको आप नहीं तोड़ सकते, जिसको आप और तोड़ नहीं सकते वो क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। समझ में ये बात पक्का। अभी किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे लोहा हो, है ना, लकड़ी हो गया, किसी भी चीज का हो सकता है, अंडरस्टैंड बच्चों। तो एटम की अगर डेफिनेशन लिखना है तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी, यहां पे लिख देते हैं, एनी सब्सटेंस दैट कैन नॉट सब
डिवाइडेड, यानी के द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एकदम छोटा पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस, सब्सटेंस यानी कोई चीज, किसी भी चीज का सबसे छोटा पार्टिकल, दैट कैन नॉट, जो के नहीं हो सकता सब डिवाइड, और ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि टुकड़ा मिल गया, इसको और डिवाइड कर सकते क्या आप? नहीं कर सकते। ये क्या कहलाता है बच्चों? एटम कहलाता है, अंडरस्टैंड? चलिए उर्दू में क्या बनेगा डेफिनेशन? उर्दू में बनेगी किसी भी शय का वो छोटे से छोटा जर्रा जिसकी मजीद तकसीम नहीं की जा सकती, यानी कि किसी भी शय का वो छोटे से छोटा जर्रा जिसकी मजीद तकसीम नहीं की जा सकती, जिसको और ज्यादा हम नहीं तोड़ सकते, क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। बात समझ में आ गई ना? चलिए तो अब बच्चों आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे जाने से पहले एक चीज याद रखिए, क्या एटम सबसे छोटा है? ये बात सन 1800 तक तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद जे.जे. थॉमसन, है ना, जे.जे. थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए, और बड़े बड़े नील बोहर आए, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि एटम सबसे छोटा नहीं है। सर अगर छोटा नहीं है तो ये डेफिनेशन कहां से? ये डेफिनेशन तो गलत होगी, सबसे छोटी बात कर रहे हैं आप कि सबसे छोटा जर्रा है, लेकिन ये डेफिनेशन तो गलत होगी। हाँ बिल्कुल डेफिनेशन गलत होगी, लेकिन आज भी यही डेफिनेशन को वैलिड माना जाता है, इसे ही पढ़ा जाता है, समझ रहे ना? लेकिन ये बात जहन में रखिए कि एटम सबसे छोटा जर्रा नहीं है, उसके अंदर भी छोटे छोटे जर्रे मौजूद है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। आज मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, इसको मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखूंगा। फिलहाल एटम क्या है आप लोग जान चुके हैं, अब हम देखते हैं एलिमेंट क्या है, और उसके बाद मॉलिक्यूल क्या है। ठीक है, चलिए मैं इसे मेट देता हूं, जिन बच्चों को लिखना है लिख लीजिए। चलिए बच्चों सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं एलिमेंट की। अभी आपने एटम देख लिया कि किसी भी चीज का वो छोटे से छोटा जर्रा जिसको आप नहीं तोड़ सकते और ज्यादा उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अब देखते हैं एलिमेंट क्या है। ठीक है, एलिमेंट बच्चों ऐसे सब्सटेंस है जो कि प्योर फॉर्म में, जैसे कि अगर मैं बात कहूं कि लो, एक काम करते लोहा नहीं, एक गोल्ड ले लेते, गोल्ड, गोल्ड समझते हैं ना आप लोग, सोना, गोल्ड, गोल्ड की एक प्लेट ले लेते फॉर एग्जांपल, और कंसीडर कीजिए कि इसमें कुछ मिलावट नहीं है, यानी कि कुछ मिला हुआ नहीं है, पीतल वगैरह मिलाकर इसे नहीं बनाया हुआ है, गोल्ड है। दूसरा ले लेते बच्चों आयरन, यानी कि लोहा, आयरन ले लेते, है ना, ये समझो आयरन की प्लेट है। अगर हम इसे कुछ डीप में देखेंगे बच्चों माइक्रोस्कोप से, या इसको बड़ा करके अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इसके अंदर एटम रहते और ये पूरे के पूरे गोल्ड के एटम रहेंगे। मैं जी लिख रहा हूं, जी यानी समझ जाइए गोल्ड, पूरे के पूरे कई के एटम रहेंगे गोल्ड के। ये पूरी प्लेट कैसे मिलके बनी? गोल्ड के एटम से। एटम यानी कि क्या? हाँ एटम यानी कि वो छोटा जर्रा जिसको नहीं तोड़ सकते, वो सबसे छोटे जर्रे से मिल मिलके क्या बन गया? एक गोल्ड बना, सोना। ठीक है, दूसरा देखो ये आयरन है, तो आयरन के अंदर गोल्ड के एटम रहेंगे क्या? नहीं ना, आयरन है, लोहा है, तो लोहे के अंदर क्या सोने के एटम रहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो लोहे के अंदर किसके एटम रहेंगे? लोहे के, यानी आयरन के एटम रहेंगे। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे एटम किसके है, तो इसके अंदर आयरन एटम है, एफ यानी के आयरन के। ठीक है, किसके एटम इसके अंदर? आयरन के। समझ पा रहे ना कि लोहे के अंदर लोहे के एटम रहेंगे, गोल्ड के अंदर गोल्ड के एटम रहेंगे। तो उन छोटे छोटे एटम से मिलकर जो बड़ी चीज बन रही है, देखिए छोटे छोटे एटम से मिलकर एक बड़ी चीज बन रही है, क्या? सोना, गोल्ड। उन्हीं छोटे छोटे एटम से मिलकर, पार्टिकल से मिलकर क्या बन रही है? एक बड़ी चीज बन रही है, क्या? लोहा। अगर इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है, यानी कि जैसे कि सुनार वगैरह क्या करते हैं, लोहे के अंदर पीतल वगैरह मिक्स करते हैं, है ना, और जनरली हम लोग लोहा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या प्योर? नहीं, खालिस लोहा हम इस्तेमाल नहीं करते, प्योर लोहा इस्तेमाल नहीं करते। तो कौन सा लोहा इस्तेमाल करते? स्टील इस्तेमाल करते ज्यादातर। लोहे के अंदर बच्चों उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए, उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए अंदर कार्बन डाला जाता है, क्रोमियम डाला जाता है, और वो जो चीज बनती है वो स्टील कहलाती है। तो हम जनरली प्योर लोहा इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं, मिला हुआ लोहा, उसमें कार्बन वगैरह मिला हुआ है।
लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूं कमिलाविटी की नहीं, मैं बात कर रहा हूं ऐसे लोहे की जिसमें कुछ नहीं मिला हुआ है, मैं बात कर रहा हूं ऐसे गोल्ड की जिसमें दूसरा कुछ भी मिला हुआ नहीं है। ये है बच्चों एलिमेंट, ये कहलाते हैं अनासिर, इन्हीं को कहते हैं हम एलिमेंट, इन्हीं को कहते हैं हम उनसर या फिर अनासिर। अनासिर मतलब उनसर की जमा, अनासिर कहते हैं, उनसर कहते हैं, सॉरी सर समझ नहीं आया। तो देखिए सिंपल लैंग्वेज में देख ली, एक जैसे एटम से मिलकर, एक जैसे एटम से मिलकर जो प्योर मैटर बनता है उसे हम एलिमेंट कहते हैं। इसके अंदर देखिए एटम के अलग अलग है, गोल्ड के अलावा कुछ सोने क्या है क्या, सॉरी इसके लोहे क्या है क्या, नहीं। ये लोहा किससे बने वाला है, ये एक जैसे एटम से मिलकर बना हुआ है ना, सबके सब किसके एटम है, लोहे के एटम है। यानी कि एक जैसे एटम से मिलकर जो मैटर बनता है, जो भी चीज बनती है वो क्या कहलाती है, एलिमेंट। समझ में आई ना बात, एक जैसे एटम से मिलकर। अगर मैं आपसे कहूं कि पानी, पानी क्या एलिमेंट है, आप कहेंगे नहीं। क्यों? आप कहेंगे सर पानी का फॉर्मूला है H2O, तो इसमें दो अलग अलग चीजें हैं, एक ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन है, अलग अलग चीजें, तो ये एटम ये जो है ये एलिमेंट नहीं है। समझ पा रहे ना, एलिमेंट किसे कहेंगे हम, हर वो चीज जो के एक जैसे एटम से मिलकर क्या हो रही है, बन रही है, एक जैसे एटम से मिलकर क्या हो रही है, बन रही है, वो क्या कहलाती है, एलिमेंट कहलाती है। ठीक है, अगर आपसे मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल बच्चों चलिए मुझे बताइए कि जो खाने का नमक है, नमक को हम साइंसी जबान में क्या करते हैं, NaCl लिखते हैं, क्या NaCl एलिमेंट है, आप कहेंगे सर नहीं। क्यों? क्योंकि NaCl दो चीजों से बना, एक तो सोडियम दूसरा क्लोरीन, यानी कि वो नमक के अंदर सिर्फ और सिर्फ सोडियम भरा हुआ है क्या, सिर्फ और सिर्फ एन एन है क्या, नहीं, सिर्फ सिर्फ क्लोरीन क्लोरीन है क्या, नहीं, उसके अंदर दोनों भी है, सोडियम भी है क्लोरीन भी, दो चीजें आ गई तो समझ जाना ये एलिमेंट नहीं है। तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट वो चीज है जो कि एक जैसे एटम के मिलने से क्या होती है बच्चों, बनती है, उसे हम एलिमेंट यानी कि उनसर कहते हैं। समझ में आई क्या बात, पक्का? चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो बच्चों डेफिनेशन देख लीजिए, एनी प्योर मैटर, कोई भी प्योर मैटर यानी कि मैटर यानी कि कोई भी चीज जो जगह घेरती है, मतलब कि ये पेन है ये मैटर है कि नहीं, अगर किसी ने पूछा तो आप बोलना कि क्या ये जगह घेर रही है, कुछ ना जगह लग रही है ना, हाँ तो बस ये क्या है, फिर मैटर है। अच्छा मैं या फिर आप मैटर है कि नहीं, तो बिल्कुल आप भी क्या है, मैटर है, क्योंकि आपको भी क्या लग रही है, जगह लग रही है, आपका भी कुछ ना कुछ क्या है, वजन है। जिसका कुछ ना कुछ वजन हो और जो कुछ ना कुछ जगह घेरता हो वो क्या कहलाता है बच्चों, मैटर कहलाता है। ठीक है, एनी प्योर मैटर, कोई भी प्योर मैटर विच इज मेड, जो कि बना हुआ है बाय सेम टाइप ऑफ एटम, एक जैसे एटम से बना हुआ है, कॉल्ड एज एलिमेंट, इसे हम बुलाते हैं, इज कॉल्ड एज एलिमेंट, इसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। उर्दू में क्या कहेंगे बच्चों, कोई भी खालिस मादा जो एक जैसे जौहरों से मिलकर बना हो उनसर कहलाता है। यानी कि एक जैसे, अभी देखें ना हम गोल्ड, गोल्ड के अंदर सिर्फ सिर्फ गोल्ड के ही एटम रहेंगे, लोहा लोहे के अंदर पूरे पूरे किसके एटम रहेंगे बच्चों, लोहे के ही एटम रहेंगे। समझ में आ रही है ना बात, तो ये तमाम चीजें क्या है बच्चों, एलिमेंट। अब आपका पीरियोडिक टेबल, दौरी जदवल, पीरियोडिक टेबल आपने देखा है बच्चों, अगर नहीं देखा तो ये देखिए, ये है बच्चों पीरियोडिक टेबल, नजर आ रहा है ना आपको, इसके अंदर जो बच्चों यहां पर देखिए, जो सबसे पहले हाइड्रोजन नजर आ रहा है आपको, हाइड्रोजन है ना, वहां देखिए हीलियम है, लिथियम है, दिख रहे ना, और ये जितने भी चीजें हैं बच्चों, जितने भी है, ये सब के सब क्या है बच्चों, ये सब के सब हैं एलिमेंट्स। क्या हैं? एलिमेंट्स हैं सब के सब, जितने भी सब के सब एलिमेंट, ये प्योर फॉर्म में दुनिया में मौजूद हैं। समझ रहे ना, हाइड्रोजन एक गैस है, समझ रहे ना, उधर जितने भी है हीलियम, जितने भी चीजें ऊपर से नीचे तक, वो सबके सब क्या है, गैस है बच्चों। समझ आ रही ना, तो ये तमाम चीजें क्या कहलाती है, एलिमेंट, जो पीरियडिक टेबल में 118 चीजें हैं, सब के सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, अभी हमने देखा कि एक ही तरह के एटम से मिलकर जो चीज बनती है उसे हम एलिमेंट कहते हैं, यानी कि उनसर कहते हैं, है ना। और जो हमने बात की बच्चों, सिर्फ से सॉलिड की बात की, जैसे कि हमने जो ठोस की बात की, जैसे कि हमने देखो लोहे की बात की, हमने बात की सोने की, गोल्ड की बात की, तो ये धातें हैं बच्चों। गोल्ड क्या है, गोल्ड गोल्ड भी क्या है, गोल्ड मेटल है, मेटल यानी कि उसमें क्या कहते हैं, धातु। और आयरन,
इनके लोहा, लोहा भी क्या बच्चों मेटल यानी धातु है, लेकिन अगर गैस की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा कंसेप्ट, चलिए बात देखते हैं। कंसीडर कीजिए ये वाला एक बीकर है, ये कोई बीकर है, मैंने इसको इसको एक ढक्कन से ढाप दिया है ताकि इसके अंदर जो चीज मौजूद है वो बाहर ना जाए। उसको ढापने से पहले मैंने इसके अंदर एक गैस भर दी, वो गैस है बच्चों हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस मैंने अंदर भर दी? हाइड्रोजन गैस मैंने अंदर भर दी है ना, उर्दू में भी हाइड्रोजन ही कहते हैं इसे, हाइड्रोजन गैस मैंने अंदर भर दी। तो हाइड्रोजन किस तरह से मौजूद होगी बच्चों? आप सोच रहे होंगे जब हाइड्रोजन भरी है तो हाइड्रोजन के एटम ऐसे अंदर मौजूद होंगे, ऐसे हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन है ना, ऐसे हाइड्रोजन के एटम अंदर मौजूद होंगे। लेकिन नहीं बच्चों, अंदर जो हाइड्रोजन के एटम है आपस में जोड़ी बना के रहते हैं, यानी कि दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। ये दो हाइड्रोजन आपस मिलकर क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। ये दो हाइड्रोजन आपस मिलकर क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि दुनिया में हाइड्रोजन गैस जो भी मिलेगी आपको H2 की शक्ल में मिलेगी, कभी भी अकेला हाइड्रोजन नहीं मिलेगा आपको। ऑक्सीजन गैस अगर आप दुनिया में देखेंगे तो वो भी आपको O2 की शक्ल में मिलेगी, कभी भी अकेला O नहीं मिलेगा आपको ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है? हां, तो अब देखिए जो ये हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलकर ऐसे बॉन्ड बनाकर हैं तो इसे क्या कहेंगे? ये एलिमेंट है कि नहीं? तो आप कहेंगे सर एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि सर आपने भी कहा कि एक ही तरह के एटम से मिलकर जो भी चीज बनती है वो एलिमेंट है। बिल्कुल सही है, एलिमेंट है। लेकिन बच्चों इसे हम मॉलिक्यूल भी कहेंगे, इसे हम मॉलिक्यूल भी कहेंगे, क्योंकि ये जोड़ी में है, अकेले अकेले मौजूद नहीं है। गोल्ड के अंदर जब हमने बात की थी बच्चों, है ना, जब हमने बच्चों गोल्ड की बात की थी, गोल्ड यानी सोने की बात की थी, ठीक है, गोल्ड की हमने बात की थी, तो इसके अंदर जो एटम्स थे गोल्ड के इस तरीके से अरेंज थे, है ना, इस तरीके से इन आपस में जो जुड़े हुए थे बच्चों, इसमें कोई बॉन्ड नहीं था, अंदर कोई बॉन्ड था क्या? नहीं, सिर्फ वो अरेंज किए हुए थे, वहां पर रखे हुए थे, लड्डू होते हैं। एक डब्बे में आपने क्या किया? बूंदी के लड्डू आपस में क्या कर दिया बच्चों? रख दिए, समझ रहे ना? उस तरीके से यहां पर जुड़े हुए थे, लेकिन ये बॉन्ड की शक्ल में, बॉन्ड की जंजीर, जंजीर होती है, जंजीर, जंजीर से ये कड़ी और ये कड़ी आपस में जुड़ी हुई होती है मजबूती से, उस तरीके से यहां पर आइटम जो उतनी उस तरीके से नहीं थे, मजबूती इनमें भी है, जुड़े हुए इनमें भी, लेकिन ये उस लड्डू की मिसाल है और ये जंजीर की मिसाल है। समझ पा रहे ना? जब दो आइटम आपस में जोड़ी बना के इस तरीके से बॉन्ड बना के रहते हैं एक जैसे आइटम, तो उन्हें कहते हैं बच्चों मॉलिक्यूल, और उन्हें हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसा दो आपस में मिलकर रहते हैं जनरली हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। लेकिन इस एलिमेंट कह सकते हैं ना? बिल्कुल कह सकते हैं। समझ आ रही बात? जैसे ऑक्सीजन है O2, ये मॉलिक्यूल है कि नहीं? तो बिल्कुल आते हैं मॉलिक्यूल, क्योंकि O2 दो की शक्ल में अकेला क्या नहीं। चलो अगर मैं आपसे कहूंगा H2 मॉलिक्यूल है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि अकेला हाइड्रोजन है क्या? नहीं, दो है मॉलिक्यूल। अच्छा, मैं कहूंगा बच्चों N मॉलिक्यूल, आप कहेंगे नहीं ये एटम है, क्यों? क्योंकि अकेला है। अगर दो होते तो क्या कहलाते थे? मॉलिक्यूल। समझ आ रही बात? अगर N2 रहा तो ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल। समझ आ गया बात? मॉलिक्यूल जो दो एटम से या दो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं एक जैसे एटम से मिलकर या एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल। अगर अलग अलग है तो क्या नहीं बोलेंगे? नहीं बच्चों, उन्हें भी मॉलिक्यूल ही कहेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से बनने के बजाय, अगर आप लोगों को पता है हमारा जो खाने का नमक है वो दो चीजों से मिलकर बना, एक तो सोडियम एक तो क्लोरीन, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? NaCl। तो अगर मैं कहूँ NaCl क्या मॉलिक्यूल है या एलिमेंट है? एलिमेंट नहीं, उनसर। तो आप कहेंगे एलिमेंट नहीं है। क्यों एलिमेंट नहीं है? क्योंकि एक जैसे आइटम से मिलकर बना क्या? नहीं, एलिमेंट होते जो एक जैसे आइटम से मिलकर बनते हैं। तो ये मॉलिक्यूल है कि नहीं? बिल्कुल मॉलिक्यूल है। क्यों मॉलिक्यूल है? क्योंकि भले ही अलग अलग आइटम से मिलकर बनेंगे, लेकिन इनमें अलग अलग आइटम मौजूद है। यानी कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम भी है और क्लोरीन है, दो एक जैसे या फिर अलग अलग एलिमेंट से मिलकर जो चीज बनती है वही क्या कहलाती है? मॉलिक्यूल कहलाती है। तो आप कहेंगे सर कंपाउंड क्या है? कंपाउंड और मॉलिक्यूल में छोटा सा डिफरेंस, ज्यादा नहीं। मॉलिक्यूल समझ आ गया आप लोगों को? देखते हैं कंपाउंड, उर्दू में कहते हैं इसे मुरक्कब। मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? हर वो चीज जो एक जैसे या अलग अलग एटम से मिलकर बनती है क्या कहलाती है? मॉलिक्यूल। चाहे एक जैसे चाहे अलग अलग हो, एक जैसे एटम या अलग अलग एटम से मिलकर जो चीज बनती है वो क्या कहलाती है? मॉलिक्यूल। लेकिन कंपाउंड का वैसा नहीं है। कंपाउंड यानी कि जो अलग अलग एटम से, अलग अलग एटम से या अलग अलग एलिमेंट से मिलकर जो चीज बनती है वो कंपाउंड कहलाती है। इसे हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं और इसे हम कंपाउंड भी कह सकते हैं। NaCl को हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं और कंपाउंड भी कह सकते हैं। समझ आया बात? पक्का? अच्छे से। जैसे CH4 ये मॉलिक्यूल है कि नहीं? है, क्योंकि दो या दो से ज्यादा चीज मिलकर बना मॉलिक्यूल है। कंपाउंड, यहां से कंपाउंड भी, क्यों? क्योंकि ये अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं कहूं बच्चों मुझे बताओ H2 दो चीजों से मिलकर बना, क्या कंपाउंड है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि एक चीज से मिलकर बना क्या? नहीं। O2 कंपाउंड है? नहीं। ये क्या है? मॉलिक्यूल है। N2 कंपाउंड है क्या? नहीं। क्या है? मॉलिक्यूल है। पक्का? H2SO4 कंपाउंड है क्या? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसमें अलग अलग एटम्स है, अलग अलग एटम से मिलकर बना हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको कंपाउंड और मॉलिक्यूल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए बच्चों, कंपाउंड और मॉलिक्यूल ये दोनों की डेफिनेशन आप लोग खुद से बना लीजिए, ठीक है? समझ में आ तो गया होगा कि एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है और मॉलिक्यूल क्या है। अगर ये बेसिक बातें आपकी क्लियर हो जाए तो कल हम आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार्स क्या है और एटॉमिक वेट किसे कहते हैं, यानी एटॉमिक मास किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इन बेसिक बेसिक चीजों को देखेंगे। और जैसा ही हमारा बेसिक ये 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 लेक्चर्स में, उसके फौरी बाद हम हमारा सेकंड चैप्टर पेपर फर्स्ट का स्टार्ट कर देंगे। साइंस पेपर फर्स्ट का सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।